जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो ले सकते हैं, जो वेट लॉस पे है वो ले सकते हैं, या कोई किसी जैसे डिजीज से सफर कर रहे हैं उनको भी हेल्प होगी जो मेडिसिन वो लेते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या मिलता है। अगर 60 ग्राम्स हम अनकुक पो लेते हैं तो हमें कैलोरीज 210 मिलती है उसमें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 39 ग्राम्स, प्रोटीन 4 ग्राम, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू चैनल ट्रैफिक फ्रीक। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, एक नई डाइट, जो फूड आइटम है जो अगर आपने डाइट में ऐड करेंगे तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। आप ऑलरेडी वो कंज्यूम कर रहे हैं बट कईयों को उनके जो बेनिफिट्स है नहीं पता। ये आप हेल्दी रहने के लिए ले सकते हैं, जो जिम जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो ले सकते हैं, जो वेट लॉस पे है वो ले सकते हैं, या कोई किसी जैसे डिजीज से सफर कर रहे हैं उनको भी हेल्प होगी, जो मेडिसिन पे डिपेंड है। वो डाइट क्या है, वो फूड आइटम क्या है, जो इंडियन फेवरेट इंडियन ब्रेकफास्ट है, पोहा। ये फेवरेट इंडियन ब्रेकफास्ट है जिसको इंडिया में डिफरेंट नेम से जाना जाता है, कहीं इसको पोहा बोलते हैं, कहीं अवल बोलते हैं, कहीं चिपरा बोलते हैं। बेसिकली पोहा चावल से बनता है, राइस से। अब कई लोगों को राइस खाने में मना होते हैं बट पोहा ले सकते हैं। राइस को ड्राई करके ये बनाया जाता है, अनपॉलिश्ड है, इसमें कोई ज्यादा केमिकल्स यूज नहीं होते, तो इसलिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। जो लोग डाइट अपनी जैसे वेट लॉस पे है उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। इसमें बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, एक तो अनपॉलिश्ड है, न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा है इसमें, और लाइट फूड है, लाइट ब्रेकफास्ट है। आइए मैं आपको इसके थोड़े से बेनिफिट बताता हूं, मगर पहले मैं आपको बताऊंगा पोहा, जो हमने ज्यादातर व्हाइट पोहा देखते हैं, बट पोहा 3 तरह का होता है, एक व्हाइट है, एक रेड है, एक ब्राउन है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू जो रेड पोहा की है, जो व्हाइट पोहा है उसमें आयरन एंड फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है, बट जब रेड पोहा की बात करते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं हमें, बट ड्राई टेक्सचर है, नटी टेस्ट है, बट न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम ये रिच मात्रा में मिलता है। ब्राउन में आपको आयरन और फाइबर मिलेगा अच्छा, मतलब ओवरऑल कोई भी यूज कीजिए आपको फाइबर आयरन तो अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा, बाकी चीजें भी आपको मिलेंगी, बट जो रेड पोहा है उसको थोड़ा जैसे ज्यादा है ये क्वांटिटीज। पोहा कोई भी तरह का है, इट्स रिच इन हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको मैं बताया कार्बोहाइड्रेट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी, हमें एनर्जी के पावर स्टोर है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी डाइट से लेने हैं, तो वो उसमें ये रिच है और हेल्दी है, लोडेड विद विटामिन ए सी कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन पोटेशियम, मतलब हर तरह के आपको इसमें जो विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी डे टू डे लाइफ में, आपको हेल्दी रखने में, क्योंकि ये चीजें आजकल लोग मल्टीविटामिन से लेते हैं या दवाइयों से ले रहे हैं, बट अगर हम इनको भी डाइट में ऐड करते हैं तो ये हम नेचुरली मिलती है। इसकी जो नेचर है वो ड्राई एंड कूल है, ड्राई एंड कूल, तो मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है ज्यादा, ज्यादा क्या मतलब है ही नहीं है। आइए इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप समझ गए, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी एक तो, और हिट नहीं करेगा आपको, कोई शुगराइज नहीं करेगा आपको, कॉम्प्लेक्स आइटम है, हाई इन फाइबर है, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए आप जब खाएंगे आप देर तक लोडेड रहेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, इसलिए वेट लॉस में हेल्प करेगा। ब्लड शुगर पीपल कैन टेक, जिनको ब्लड शुगर है उनको चावल बना होते हैं, बट वो ये ले सकते हैं इन स्मॉल अमाउंट, बट ले सकते हैं, कोई इनको इससे खराबी नहीं होगी। आयरन स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि आयरन की जो इसे मात्रा है दैट्स वेरी हाई, तो इसलिए वुमेन्स में हमेशा आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ब्लड की डेफिशिएंसी होती है आयरन, इसलिए उनको सप्लीमेंट की शेप में लेना पड़ता है। अगर उसको डाइट में भी ऐड करें, ब्रेकफास्ट में, लंच में, जो भी है, ज्यादातर ब्रेकफास्ट में लेते हैं, ब्रेकफास्ट में अगर ऐड करेंगे इसको तो आपको बेनिफिट होगा। सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, ये प्रोबायोटिक है क्योंकि इसमें हेल्दी बैक्टीरिया है, इसलिए गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
ब्रेन हेल्थ के लिए भी विटामिन बी है इसमें, तो ब्रेन हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। लो इन फैट है, लैक्टोज फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, जो लोग ग्लूटेन फ्री डाइट करते हैं आप ये ऐड कीजिए, ग्लूटेन फ्री है। वेट लॉस के लिए हेल्प करेगा करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है और हाई इन फाइबर है, तो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने स्पेशल डाइट लेनी है तो उसके बजट से बाहर जाती है, ये चीज बजट फ्रेंडली है। इसमें देखिए बनाना और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, हर तरह की सब्जी डलती है, पीनट्स डलते हैं, आप बनाइए मतलब पूरा एक अच्छी मील बनती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आपको कमी रहेगी, क्योंकि आप इसमें हर तरह की वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं। और हाँ, इसमें एक चीज है नोट करना है कि डीप फ्राई नहीं करना, डीप फ्राई करके आप इसको अनहेल्दी कर सकते हैं, डीप फ्राई नहीं करना इसको। आइए मैं आपको इसकी जो कंपैरिजन करके बताता हूं कि इनमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज है वो क्या है। चलिए आइए अब मैं आपको इसकी वैल्यूज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 60 ग्राम अनकुक्ड पोहा लेते हैं और 60 ग्राम कुक्ड पोहा लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिलता है। अगर 60 ग्राम हम अनकुक्ड पोहा लेते हैं तो हमें कैलोरीज 210 मिलती है उसमें, ठीक है। कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट 39 ग्राम, प्रोटीन 4 ग्राम, प्रोटीन भी है 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है हमें 60 ग्राम अनकुक्ड पोहा में, और फैट 3.9 ग्राम। ये हेल्दी फैट्स है, ये याद रखिएगा, ये हेल्दी फैट है, इस पे मत जाइएगा। 60 ग्राम कुक्ड पोहा, अगर 60 ग्राम कुक्ड पोहा लेते हैं उसके अंदर कैलोरीज हमें मिलती है 300-350 ग्राम। कार्ब्स मिलते हैं 52 ग्राम, प्रोटीन 8.5 ग्राम 60 ग्राम कुक्ड पोहा में, जो हम अगर 60 ग्राम पोहा कुक करते हैं उसको कंज्यूम करते हैं तो 8.5 ग्राम हमें उसमें प्रोटीन मिलता है। फैट 7 ग्राम, दैट टू हेल्दी फैट। ये देखिए इसकी मतलब कोई बंदा जिम कर रहा है, वेट लॉस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, प्रॉपर डाइट है, मगर इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि आपको इसको डीप फ्राई नहीं करना है। कुक कर रहे हैं तो आप इसको जैसे मतलब कई लोग फ्राई करने बैठ जाएंगे, वो नहीं करना, टोटली अनहेल्दी हो जाएगा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी, वो आपने ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा सब्जियां डालिए इसमें, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स डालिए इसके अंदर, पीनट्स यूज कीजिए, हेल्दी ऑयल यूज कीजिए, तो आप इसको बनाइए। ये बड़ा डिलीशियस हेल्दी ब्रेकफास्ट है आपके लिए, जो आपकी पूरी फैमिली के लिए कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। आपको ये नहीं है कि किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना, किसी को अनहेल्दी लगेगा, किसी को ये लगेगा, नहीं, 99.9% लोगों को हेल्दी लगेगा। और आप इसको कंज्यूम कीजिए, आपको बेनिफिट ही होगा। ये था आज मेरा टॉपिक पोहा पे, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बनाता रहूंगा, ताकि आप जो हमारी इंडियन डाइट है उसमें से ज्यादा से न्यूट्रिशन ले सके, अपने आप को हेल्दी रख सके, अपने आप को जिम में आके अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं बॉडी बना सके, या आप अगर कोई स्पोर्ट्समैन है स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, या आप डे टू डे लाइफ में अगर हेल्दी रहना चाहते हैं सिर्फ, आपको सिर्फ ज्यादा कोई इससे मतलब नहीं है कि आपको स्पोर्ट्समैन बनना है या बॉडी बिल्डर बनना है, तो भी आप लोगों को ये चीज हेल्प करेगी। आज के लिए यही, अगली वीडियो के साथ बड़ी जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।